नहीं। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने एमएस वर्ड में आईडी कार्ड किस तरह बनाना है। आईडी कार्ड तो बेसिकली हम जो है एडोब फोटोशॉप और कोल ड्रा वगैरह में या एडोब इलस्ट्रेशन वगैरह में हम बनाते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसको हमने एमएस वर्ड में किस तरह बनाना है। याद रहिए, जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड का साइज़ हमारे पास 3.25 उसका वेथ होता है और 2.25 उसका हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको 3 गुना बड़ा बनाएंगे ताकि हमें विजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करना है। इसके अलावा लेआउट में जाना है, पेज सेटअप, उसका साइज़ जो है हमने डिफाइन करना है। तो इसको अगर हम 3 गुना ज़्यादा बनाए तो हमने जो है यहाँ पर इसको 9.75 रखना है। ठीक है, इसका वेट और उसका जो हाइट है उसको हमने रखना है 6.75। तो ये हमारे पास उसका लेआउट जो है वो आ जाएंगे इस तरह का। अच्छा, ये इसकी जो मार्जन्स है वो मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा एरिया मेरे पास जो है वो विजिबल। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्टिंग बनाता हूँ। अच्छा, अभी इसके इर्द गिर्द में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो चूँकि मैं एम एस ऑफिस 2016 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन में चला जाऊँगा। डिज़ाइन में यहाँ पर मैं पेज बॉर्डर्स पर क्लिक करूँगा और बॉक्स पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये आप 3 पॉइंट्स या 6 पॉइंट में, चलिए यहाँ पर 6 पॉइंट करूँ ताकि कम्प्लीटली विजिबल हो, मैं यहाँ पर पोस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मार्जिन थोड़े से ज़्यादा है, इस मार्जिन को मैं कम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास पेज बॉर्डर्स में यहाँ पर ऑप्शन का बटन होगा, उस पर मैं क्लिक करके उसको यहाँ पर ये जो टॉप है इसको मैं 1 पॉइंट करूँगा, जो लेफ्ट है उसको मैं 1 पॉइंट करूँगा, राइट को भी मैं 1 पॉइंट करूँगा, और इसके अलावा ये बॉटम है उसको भी मैं 1 पॉइंट करूँगा। तो इसके मार्जिन मेरे पास कम हो गए और ये बिल्कुल प्रॉब्लम हो गया, ये पेज के जो साइज है उसके हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा टॉप पर एक रेक्टेंगल या शेप इंसर्ट करूँगा, इस तरह का कोई भी शेप इंसर्ट करना तो मैं यहाँ पर इसका शेप इंसर्ट करूँगा। ठीक है, उसका कलर चले मैं इसको ब्राउन कर लेता हूँ। ठीक है, ब्राउन कर लेंगे, मैं इसकी कॉपी भी ले लेता हूँ, उसको मैं नीचे रखता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको नीचे ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ पर चूँकि मैं स्टूडेंट आई डी कार्ड लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर करूँगा और टेक्स्ट इसमें मेरे लिए क्या चीज़ है, स्टूडेंट आई डी कार्ड। आप अगर सर्विस कार्ड लाना चाहते हैं तो आप सर्विस कार्ड लिख सकते हैं, अगर आप जूम लाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट आई डी कार्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप जो भी साइज चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट चलो मैं इसका एरियल रख लेता हूँ, मैंने इसका फॉन्ट एरियल रख लिया, साइज और क्या बनाता हूँ मैंने और दिया गया, इसको मैं बोल्ड भी कर लूँगा और अंडरलाइन भी करूँगा। ठीक है, अच्छा अभी हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स हम एंटर करेंगे इसलिए ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ नेम, फादर नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसको ड्रैग करके उसकी साइज़ या एडजस्टमेंट वगैरह कर लूँगा। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर मैं एक शेप इंसर्ट करूँगा, एक शेप पिक्सल इंसर्ट करूँगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ यहाँ पर वो शेप विजिबल हो। अच्छा, मैं इसका कलर वाला भी चेंज करना कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पर मैं जो है सपोज़ नया फादर में या सबसे पहले इसका साइज़ वगैरह मैं डिफाइन कर लूँ। ठीक है, मेरे पास ये नेम, ठीक है, एक बंदा है उसका नाम सपोज अली है, और सबसे पहले यहाँ पर मैं रोल नंबर इंसर्ट करूँ, रोल नंबर, ठीक है, रोल
नंबर सपोज एक नंबर है उसका नंबर टू की है, नेम उसका अली है, फादर नेम जो है उसका सपोज अहमद है, ठीक है, उसका क्लास सपोज टेंथ है, क्लियर, और उसका सेक्शन सपोज सेक्शन उसका ए है, और उसका एड्रेस सपोज यूनिवर्सिटी रोड शायद जो भी आप रखना चाहते हैं आप इसका एड्रेस रख सकते हैं। अच्छा अभी ये इसके इर्द गिर्द चूँकि बॉर्डर्स मुझे नज़र आए मैं उस बॉर्डर को ख़त्म कर लेता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसके फॉर्मेट में चला जाता हूँ और फॉर्मेट आउटलाइन जो है मैं यहाँ पर नो आउटलाइन कर लूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से स्पेस दे दूँ ताकि मेरे पास क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड करूँ होता है सेपरेट करना होता है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और सब सेट करूँगा जिस जिस पर मैं कॉल करना होता है ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर हम एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करूँगा। फॉर्मेट शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फिल में आके यहाँ पर पिक्चर वगैरह क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इंसर्ट की हुई थी मैं इसको सिरे से कर लेता हूँ। अगर आपके पास सिस्टम में कोई पिक्चर वगैरह मौजूद है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन देखना चाहता हूँ, तो मैं पासपोर्ट साइज पिक्चर को सर्च करूँगा, ठीक है। मैं क्योंकि ऑनलाइन करना हूँ तो मेरे पास ऑनलाइन में भी एक पिक्चर वगैरह आ जाएगी, तो इसको सपोज मैंने इसको सबमिट करना है, यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, अभी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पर हम कुछ ना कुछ एक लोगो इंसर्ट करेंगे, लोगो तो मैं इंसर्ट में चला जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगा, मैं ऑनलाइन सर्च करना चाहता हूँ, ऑनलाइन सर्च करने सपोर्ट इस्लामिया कॉलेज लोगो, ठीक है, मैं सर्च करूँगा, इसमें से एक लोगो में जाऊँगा, वहाँ पर मैं सपोज इसको मैं इंजॉय कर लेता हूँ। अच्छा अभी जो ये है वीडियो ग्राउंड में है इसको मैं फोरग्राउंड में या रेप टेक्स्ट में इसको मैं सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाता हूँ, रेप टेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट लेकर आता हूँ इसको, तो मेरे पास ये इस तरह आ गया। आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, चलो मैं इसको आप जहाँ पर भी इसको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, सपोर्ट मैं उसको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं जो है कुछ ना कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करूँगा, राइट क्लिक करके और टेक्स्ट यहाँ पर इस्लाम जो कॉलेज इशारा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको सेंटर में तो इसको मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर लूँ, साइज़ भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर मैं एक शेप दूसरा इंसर्ट कर लूँगा, इस तरह का एक शेप मैं इंसर्ट कर लूँ यहाँ, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लूँगा। अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा
ग्रुप मेरे पास में, तो इसके पॉइंट्स को मैं हिट कर दूँगा। उसके बाद जो है मैं सपोज जन रोड बोर्ड इसका सही साइड का नज़र आ रहा है, तो मैं इसको लेफ्ट बना देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास एक्सेंट। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एक बार कोड भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, टच बॉक्स हम यहाँ पर नज़र करेंगे, नीचे ले जाएंगे, इसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं, सपोज में इसके लिए और इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो आप टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, अच्छा भी इसकी एम गिर चुकी है, तो अभी जो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो सेलेक्ट करके इसके फॉर्मेट में चला जाता हूँ, आउटलाइंस को मैं आउटलाइंस कर देता हूँ। साइज भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो मेरे पास एक बार कोड आ गया, इसमें वो तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो हम चाहते हैं। तो वही रहा हमारे पास एक आईडी कार्ड, आप सर इसका भी बना सकते हैं, जो भी तमाम करना चाहते हैं। ओके।